उठा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। नहीं जानता सियाल कोटियां दी हिस्ट्री, अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सानू फोन कर, चल जान भी देवी चपला ना मार, एम पे रोप चाड़े फड़के गिटार, चल जान भी देवी चपला ना मार, एम पे रोप चाड़े फड़के गिटार, तन्नू जाने सारा जग तेरा ढिला है फलक साथों जी, आज का नया दिन देने के लिए, और प्लीज आज का दिन बहुत अच्छे से गुजर जाए, और मैं कोशिश करूँगी पॉजिटिव रहूँ। कल अली भाई से दो दिन से जो थोड़ा सा लड़ाई हो गई थी, और टास्क में जो भी हुआ मैं हर्ट हो गई थी, और वो खैर हमने शाम को बैठ के बात की, मैंने उनसे बोला सॉरी, उनको मैंने बताया कि मुझे ये बुरा लगा कि आपने नताशा को निकाल दिया, और फिर उसके बाद आप क्लासरूम से और टास्क में, और उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं कि मैं भूल गया और किसी को निकाल लें, तो वो मुझे हर्ट हुआ, बुरा लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, क्योंकि उन्होंने उससे पहले बोला था कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो अपनी क्लास से पहले, तो इसलिए मैं हर्ट हो गई, मुझे रोना आ गया। मिशेल क्यों हर्ट हुई थी अली सिकंदर की बात पे अंदर जाके रो रही थी, अंदर जो क्लास में रो रही थी, वही वाली बात थी ना, उन्होंने आके स्क्रीन पे बोला के जी मेरे मेरी क्लास में ना तीन बंदों ने मुझे इरिटेट किया है, पहले नंबर पे मिशेल है, दानिश है, नेहा है, और आपको निकाला था, पहले नाश्ता कर लेते हैं। मैंने बोला यार अली भाई आपने किसी को निकाला ही नहीं है, बोला नहीं निकालना थोड़ी था, यहाँ क्या बता रहा था, बोला निकालना था अली भाई, बोले आप चीना का नाम लिया है, मैंने मतलब यहाँ लेना तो खुल जाता है, बाजी सलाम ने यहाँ पर भी बोलता है कि जो बच्चा ज्यादा तंग करेगा उसको आप क्लास से बाहर निकालोगे, वो जितना बाहर निकलेगा उसको उसको पॉइंट मिलेंगे। मैंने ये देखा है कि नताशा नेहा राशन को बचाने की सबके इंसानियत के दायरे में, वो इंसानियत के दायरे में रहते हुए वो ये बातें करते हैं, और ये लोग अरूबा हो गई, मैं अरूबा को ये भी नहीं कह सकता कि वो 15 साल की, अरे 11 साल की 14 साल की तो बच्ची है उसकी, यार अभी भी अगर आप इतने मैच्योर हैं आपको क्या कहा जा सकता है, आप को कल कहा है काम करने का टास्क, आप बहुत अच्छा खेल लेते हो, एक दफ़ा भी आपने टेबल पाती थी टिशू मारती थी चली, क्यों? क्योंकि आप बगावत मोड पे चल रहे हो, तो बगावत मोड पे आपके पास उससे पूछो मिशेल से, उनके पास अपनी रीजंस है, मेरा मैं दिल पे ले लेती हूँ, मैं दिल पे ले लेती हूँ, ले लेते हो यार, एक मिनट दिल पे तो फिर हम आपस में बड़ी बातें भी ले सकते हैं, ऐसा माहौल बन जाता है। नहीं मैं फौरन से ऐसी हो जाती हूँ, मैं फिर फौरन से, मेरा उस पर गुस्सा नहीं था, इस पर गुस्सा नहीं था, अरे देखने वालों को नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है यार, लेकिन बात सारी ये है कि जो बॉयज हमारे साथ आके और बातें करते हैं और सुबह फिर ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट, ये भी पता चल गया ना हमें, वो भी सब पता चल गया, ये भी पता चल गया मुंह पे आके, और फिर अंदर रातों रात आपके अगेंस्ट साजिश हो रही होती है, कैसे अब क्या है, कल इन्होंने जान के फौरन सफाई शुरू कर दी कि लड़कियों को ना करानी पड़े, हाँ। क्योंकि मैंने कहा था कि यार मैंने उनसे करवानी है, हाँ, और एक जगह कह रहे थे हम देखते हैं लड़कियां ये मॉप करेंगी वैक्यूम करेंगी, वो तो फिर मुनाफ़कत तो सब स्टेटमेंट पॉइंट आउट ही नहीं कोई करता, मैं देखता हूँ ये कैसे ये जब करती हुई नजर आएंगी ना वैक्यूम और मॉप, अरे तुम लोग खुश शुरू हो गए, लेकिन आप चाह रहे थे कि आप ना मैं आपको अथॉरिटी दूँ आप हुक्म चलाएं, और बाद में बादशाह सलामत मुझे सेम बातें कहें कि जी तुम तो दूसरों को आगे कर रहे हो। वजारत के लिए वो इतने पागल थे कि उन्हें दाने भी मास्क नहीं दिया, और कहना भी है कि मैं वजीर नहीं बनना चाहता था, अल्लाह का शुक्र है मैं तो रेस से ही बाहर हूँ मैं भी, और कह रहे मैं तो अब ऐसा नाक में जीना दूर करूँगा, वो शायद भूल गए कि मैं तो हूँ ही नहीं इस रेस में, क्योंकि मैं ही वहाँ खड़ी हुई थी, नताशा तो उनकी टीम की है, और उमर उनके साथ बैठ के हाँ में हाँ मिला रहा है, और मिशेल कह रहे तुम जो कर रही हो ना गलत कर रही हो, जो तुमसे करवाया जा रहा है ना वो गलत करवाया जा रहा है, मिशेल को नहीं समझा, तुम बेवकूफ़ हो। अच्छा भाई बेवकूफ़ कोई भी नहीं है फिजान, ठीक है हम यहाँ आए हैं तो हम ठीक है सब जो करें ना अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मैं तुम्हें बोलूँगी फिजान तुम ये ना करो, तुम तो तुम नहीं करोगे नहीं ना, तो जो तुम्हारा दिमाग कहेगा तुम वो करो,
लेकिन दो तीन लोग हैं ना जो कन्विंस हो जाते हैं। वो ना हाँ उनमें से एक है। आपको क्या लगता है इस हफ्ते मेरे अलावा किसी एक का नाम ले मुझे छोड़ के? यार मुझे लग रहा है कि दो लोग हैं जिन पे ना ज़्यादा चांस लग रहे हैं। एक तो तुम्हारा एक्स बेस्ट फ्रेंड और एक यार वो तो कुछ ना कुछ अटकेलियाँ करता रहता है। मैं फिर भी कह रहा हूँ ना दो में से दो दो दिमाग में कोई एक हो सकता है। हाँ ठीक है। और मिशेल क्योंकि जब आप दूसरों के आगे लग के अपनी गेम भूल जाएंगे अपने आप को हाईलाइट ही नहीं करेंगे किसी चीज़ में तो लोग आपको कंसिडर नहीं करेंगे। और एक और बात सुन ली कुमर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। कुमर को जब से मैंने और आपने लेके बैठना शुरू किया ना तब से वो नज़र आना। अब वो देखो मैं जान के उसको आपको पता है क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा था एक तरीके से हेल्प की है मैंने तो उसकी। वो आर्गुमेंट्स भी करता है मैं जानबूझ के टास्क भी जीतता है। हाँ मैं अब जानबूझ के उसको लेके बैठती थी इधर उधर की बातें करने थोड़ी गॉसिप्स करने चलो आओ यहाँ चलते हैं चलो उमर जैसे कपड़े पहनते स्ट्रेट लाइन वाला बन है। हाँ वरना अभी तक तो हर कोई निकल के सामने आ चुका है। उसमें ना साजिश है ना वो बनावट ज़्यादा करता है। शुरू में आया था तो मैं उसको यही कहता था कि बस उसमें गुस्सा था लेकिन वो बहुत हद तक उसने उसको भी कंट्रोल कर। मैंने अभी रूपा के बारे में कैमरे में बात करनी है आज मैंने कल से सोचा हुआ नहीं मैं तो इनकी असलियत भूलना चाहता जो मैं कल से नहीं कर पा रही मुझे आज करनी है कि ये झूठी सिंपथीज ले रही है लोगों की आवाम को पागल नहीं है बना सकती। पागल नहीं टास्क में आप बिल्कुल ठीक होते हैं। आप जब आपका दिल करता है आप लड़ने के लिए या आप अपनी गपशप और हंसी मजाक करने के लिए बिल्कुल ठीक होती है आप अपने बाजू भी भूल जाती है टांग भी भूल जाती है और जैसे ही आप पे काम पड़ता है तो आप कहती हाय हाय दर्द हो गई हाय मुझे दूध के साथ गोलियां खिला दो अबे दूध के डब्बे खत्म कर दिए। काश काश दानिश भाई परसों ही बच जाता और ये जाती डेंजर जोन में। मेरी तो कैलकुलेशन नहीं लग रही इस बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही यार मेरी आठ बॉलें इसको टच हुई हैं कुछ भी नहीं वो कर रही वो सिर्फ अपनी लक पे टास जीतती है और हर वीक सेफ हो जाती है। अब तेरे से पंगा नहीं लेता वो कौन पोपो पोपो चालू है फुल कौन भाई प्रोफेसर टीचर क्यों लेगा पंगा वो होता था ना पहले दाएं बाएं से कोई बात इधर उधर करता है बात वो आगे लगाता है इनको बस और ये दो लोग ना बेवकूफ हैं चुप करके दूसरों के जरिए पंगा ले रहे हैं और इंजीनियर ये बेवकूफ बनके ना फुल फ्रंट पे आ जाते हैं मिशेल और जुनेद बिल्कुल सही कहा मैंने इसको कहा था शुरू में पहले हफ्ते में कि तू तेरे में इतना टैलेंट है कि तू टॉप थ्री में मुझे नजर आता है नहीं अब मुझे भी पहले के दो हफ्ते लगता था कि अब भी नजर आता है वो तो जो असलियत आती है ना लाई लग गया जहाँ इतनी एनर्जी लगाई थी वहाँ एक मुद्दा याद रहता तो आपने उसको इतना ही हर्ट कर दिया कि एक क्लास में तो वो रोती ही रही नहीं मेरे से नहीं हुई वो हर्ट है भी मेरे से मुद्दा पा रही है जितवा के ही रहेंगे और नहीं हम मेरे पे मुद्दा डाल रही आपने तो मेरा भी पट्ठा साथ बिठा दिया किसी और को क्या जितवाना था जिसको क्लास से निकाला उसका भी पट्ठा बिठा दिया ना वो थोड़े से मेरी बैड लक चल रही है वरना इन्होंने अपनी तकरीबन एक ही बच्चा क्लास में होता इन्होंने सबको निकाल देना था यकीन कर अगर मैं मुझे ये सिर्फ मुझे निकाला था मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैंने उस वक्त भूल गया था निकाला तुझे भी नहीं था निकाला था आपने मुझे यार आपको गेम ही नहीं खेलनी आई यही तो कह रहा हूँ कि मुझे मेन पॉइंट ही भूल गया वरना मेरे चार बच्चे इन्होंने क्लास से निकालना था ये चार बच्चों को मैं भी भूल जाऊंगी मैं भी एक्टिविटी एरिया में जाके भूल जाऊंगी बदला मैं पूरा करूंगी मैं भी भूलूंगी ओ सॉरी अली ये गेम थी मैं तो कुछ और समझी ए हुण ते तैनु समझ आ गई ना मैं ते वाकई भूल गया सर आपको जितवाने के लिए कैसा मेरा दिमाग अलर्ट हुआ यार तू देख ना अब आज का कोई टास्क नहीं उम्मीद नहीं थी मुझे यार लेकिन आपने क्योंकि सॉरी कह के बात खत्म की है मैं इसलिए इसको रिपीट आई सॉरी अगेन आपने बड़ा मुझे कल हर्ट किया है और मैं अपने आप पे गुस्सा थी कि मैंने आपसे उम्मीद क्यों लगाई मैंने विनर में भी तेरा नाम दिया है और उसमें भी मैंने कहा शायद बादशाह सलामत कोई और ट्विस्ट दे ऐसे नहीं होता अली सिकंदर वो यार इसको बता मेरी क्या कंडीशन चल रही थी अब आप मुझे यहाँ पे दस दफा खड़े हुए कह देंगे नताशा लेकिन
फाइनल फाइनल में पहुंची भी होगी तो मैंने फर्क ही नहीं पड़ा, वो मौका आपने खुद अपने हाथ से मगर देख वो दानिश का दिन था, उसके चार पॉइंट थे, तीन वाले को तो जुनेद भी था। मैं कहती हूं मुझे एक दिया होता, सिर्फ आपका मिला होता और बताएं आज से सिर्फ ना होते मेरे तीन, मेरा एक ही होता। इसको समझा, आप ही भूल गए, वो मैंने आके बाहर भी नाम दिया। आप कैसे भूल गए जब आपको कहा जा रहा है कि आपने नताशा को बाहर निकाला, तो अली फिर नताशा को नहीं, फिर अली वहां पे जाके कह रहे हैं मुझे तीन लोगों ने ज्यादा इरिटेट किया। यार बादशाह सलामत की आवाज में मुझे बहुत कंफ्यूज याद देती है, मैं क्या करूं। जो मेरी दफा आपका दिमाग सुन हुआ ना, कोई बात नहीं अली सिकंदर, ये अब मुझे ना ये रह गई थी, अब ये टॉर्चर करेगी। नहीं नहीं सुने, नहीं करेंगे। अच्छा सॉरी के बाद बात खत्म हो जाती है, फिर क्यों आप बढ़ाई जा रही है बात खत्म। बार अंदर जाके अलग बात है कि चार हफ्ते गुजर गए यार, मेरा दिमाग अब सुन रहना शुरू हो गया, मैं थक गई हूँ, मेरा थोड़ा दिमाग दबा दे, मैं थक गई हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। भाई देखें आपको पता है मैं बाहर से आई हूँ और पाकिस्तान। अरे देखे ना, अरे अभी से ही डांटने लग गए आप तो मुझे। मैं बोला मैं बाहर से आया, देखे ना मैंने भी तो आपकी सीरत से मोहब्बत की है ना, तो मैंने सोचा कि आप मेरा ख्याल भी रखेंगे। मैं ऐसा ख्याल रखूंगा, आप छोड़ दें मेरे पास। शॉपिंग के लिए पैसे देंगे? ओ, आपसे आपके अब्बू से लेके दूंगा। अब्बू ने तो मेरे हिस्से पे भी कब्जा किया हुआ है, आप क्या बातें कर। तो आपने गायें ली थी इसमें सात हिस्से थे? जी जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था तो उन्होंने जो जायदाद मेरे नाम की थी उस पे अब्बू ने कब्जा कर लिया। ये तो जायदाद और दूसरी शादी कर ली। मेरी कहानी बहुत दुख भरी, आपको क्या लगता है कि मैं क्यों जल्द अज जल्द शादी करके सेटल होना चाहती हूँ? इसलिए तो सेटल होना चाहती हूँ ताकि मेरे घर वालों से मेरी जान छूट जाए, बहुत तंग करते हैं। तो मेरी जान फंस जाए। हाँ आप क्या मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं मैं आपको बहुत कुछ सोचता हूँ, बता नहीं सकता आपको। क्या सोचता हूँ? मतलब बहुत अच्छा अच्छा सोचता हूँ। नहीं नहीं, सोचता हूँ आपको दुनिया की हर खुशी दूँ। आए मैं सोचता हूँ मैं आपको घर दूँ, जायदाद दूँ, धक्का दूँ, सब सोचता हूँ। धक्का धक्का मतलब, क्यों? गाड़ी अगर खराब हो जाए आप ड्राइविंग सीट पर मुझे धक्का दो, मैं वो वाली बात कर रहा हूं। अच्छा, जो आप समझ रही हो वो ठीक है। नहीं आप मेरा ख्याल रखेंगे? बहुत ख्याल। मैंने आपकी वजह से बहुत सारे लड़कों को ठुकराया है और बहुत सारे रिश्तों को भी ठुकराया है। खूबसूरत बीवियों का ख्याल रखना पड़ता है, कहीं जा तो नहीं रही, तो नहीं है कहीं, ध्यान तो नहीं है, ये ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। राने नहीं खाएगा, राने के लिए भी तो डालो ना। ये रही रखी हुई है। अरुबा प्लेट बना रही है तो अरुबा किस किस की प्लेट बना रही हो? ये इन सब की, मैं खुद बनाऊंगा अपनी। हट जाओ, मैं ऐसे सब प्लेट बना के रख रहा हूं। ठीक है, हमें तो निकालना है, मुझे तो ले लो। आलू तो लेने ले लो, आलू मैंने बना के चम्मच हो गई यार, ले लो आलू। एक डिसीजन पे कायम नहीं रहते हम। कटो मुझे आलू दे दो मिशल, मैं एक ही खा लेना। मैं जो करना कर रहा मुझे नहीं पता। ओके जी मैं ओके, आलू भी दे दो मिशल, ये लो। ये आलू क्यों कहते हो, छोटे छोटे क्यों डाला गया? पता नहीं आलू टूट गए। लाओ, फायदा क्या हुआ अली? जो सोची थी फायदा क्या हुआ, हम तो पता नहीं जान के कर रहे होते हैं यार। ये अली भाई फिर रूल बनाना, फिर सबके लिए एक ही रूल बनाते ना। तो वो पुराना खाना खा रहे थे ना सर? हम तो खा चुके हैं, मैं तो ये करात के लिए रख रहा हूं। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना आलू है ना चिकन है। चलो अच्छा है यार, निकालो बस, फिर क्या करें। आप दो बोटी ज्यादा ले लोगे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी को एक भी नहीं मिलेगी तो उससे फर्क पड़ता है। कोई फायदा ही नहीं है यार। आपके एक्शन ही नहीं खत्म होते। खाने का हौका, खाने का शदीद, कोई कहीं तो इंसानियत का सबूत दे लें यार हम। मतलब वो दानिश भाई है, वो जाके उसमें ढूंढ रहे हैं कि कुछ और भी चीज निकल आए। अभी ये सारी चलाकियां सबको आती हैं करनी, अपने अपने जर्फ की बात होती है। चुप सो रहे हैं, पता नहीं कहां से उठ के हम लोग आ गए हैं। अबे यार जिंदगी में मैंने ना इतने कोई चवल सिस्टम ही नहीं देखा। एक लड़की को सिर्फ इतना पता है कि उसको अपनी और अपने दोस्तों की प्लेट कैसे बनानी है, उसमें डंगरों की तरह नीचे बोटी आलू छुपा के ऊपर चावल लगा के पैक करके रखना है। कोई असूल पे आप फॉलो ही नहीं करते हो।
आपका सारा दिमाग ही सिर्फ इस चीज़ में लगता है कि आप दोस्तों को राज़ी कर लें, लेकिन पीछे बचे हुए किसी इंसान का कोई एहसास ही नहीं है। पता नहीं किस जंगल से उठ के आ गए हम, कभी खाना देखा ही नहीं था। मैं तो बल्कि इससे पूछा फजान से, तो फजान ने मुझे मना किया। एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी जूती से एक्सप्रेशन दूँ मैं, थोड़ा जोर से एक्सप्रेशन कर लूँ, एक्सप्लेनेशन दूँ मैं, जूती मेरी एक्सप्रेशन दे मेरी जूती, हाँ एक्सप्लेनेशन दे मेरी जूती जूती, हाँ मैं पता क्या करने लगी हूँ, मैंने प्लेट उठा के ना सब गायब हो गया अपनी बेड की जो साइड टेबल की, कोई भी नहीं उठाएगा, उठाएगा मेरी चिप खा ली ना चिप, क्यों खाएगा, क्यों क्यों लेगा, यकीन करती हूँ इस तरह के लोगों में बद्दी झूठे झूठी कसम उठाने वाले, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, फेक लोग, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आए हैं, ये कहाँ से उठ के आए हैं। ये अभी कल का खाना जो है ना, ये भी बॉयज ही करो और खुद डाल के दो। अगर किसी ने भी और टाइमिंग्स में, अब मैंने जैम देखा, मक्खन देखा, रात का खाना अगर बचा है ना, तो या तो उसका होना चाहिए जो नहीं खाया जिसने, या फिर सबसे पूछ के आप कहेंगे ये बचा है, वो जितना पतीला बचा है वो सिर्फ एक बंदे के कस्टडी में नहीं होना चाहिए। भाई मैं बना के, मैंने आपके सामने, तूने बना के रखा, उसके बाद इसने रात को खाना नहीं खाया था, रात का चिकन दो बाउल्स में, ये मेरा बचा हुआ था, ये मेरा बचा हुआ था, अरे पेट भर के यहाँ पे खा लेते हो, फिर बचाने का क्या सीन है। हर बंदे को आपके, मैं बेवकूफ हूँ, आप छोटी कॉली के ऊपर बड़ी प्लेट से उसको छुपा रहे हो, आप हरे को कह रहे हो भिंडी पड़ी हुई है, भिंडी पड़ी हुई है, भिंडी पड़ी हुई है, फिर अभी आपने खा लिया, तो भाई जिसने खाना है, जिसने बनाया, जो किचन में काम कर रहा था वो दे सबको अपनी मर्जी से सारे लाइन में, यही बात हुई थी ना। अब बाद में मैं और दानिश भाई गए हैं, वो दानिश कुछ भी नहीं है उसके अंदर, राणा साहब गए, कुछ भी नहीं था उसमें, इसलिए मैंने बोटियां भी छोटी, आप एहसास तो करो यार किसी और का, छोटी छोटी बोटी हुई भी थी ना, छोटी की थी, अरे छोटी भी ढूंढ ढूंढ के गायब हो यार, बात बहुत छोटी है, देख लो सामने पड़ी मेरी प्लेट, देख लो क्या है, लेकिन अगर अब मैंने देखा अरूबा को प्लेट्स बनाते हुए, तो फिर मैं बहुत सीरियस एक्शन लूंगा। और इन्होंने पूछा है कि किसकी बना, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि यार एक बंदा मत बना के दे, वो ये क्या बात हुई, क्यों किसने कहा है उसको प्लेट्स बनाने के लिए, किसी ने कहा था क्या, जिसने भी कहा है ना वो बना रही होगी, जिम्मेदार वो खुद होगी। यार इंसानियत आपको किसी जुबान में समझ नहीं आती, जो भी यहाँ बैठ के क्या बोल रही थी जब आप अंदर थे, मुझे पूरी बात का पता चला है कि उसने प्लेट बनाई है, वो कह रही थी ठीक है अगर मुझ पे इल्जाम है, मैंने अपने दोस्तों के लिए अलग किया तो लग जाए इल्जाम, अरे हम कौन है, ये घटिया हरकत है हमारे लिए, क्यों फिर आप कैसे पार्टियां बनी हुई हैं, फिर आप कैसे टीम्स बनी हुई हैं, उसके हिस्से का भी खा गई हो, हां ओके, फिर आपके चार दोस्त हैं तो चार दोस्तों को आप खुश कर लें, बाकी पांच बंदे बाहर हो जाएं, बाकी ना खाएं भी, इल्जाम नहीं है, ये घटियापन है जो आप पहले दिन से करते हैं। या अगला पूरा हफ्ता है मैं किचन में घुसा ना, तो मैं देखूंगा कैसे उथल पुथल कर दूंगा, मैं भी नहीं पूछूंगी कभी जिंदगी में, अब मैं पूछूंगा नहीं, अगली वजारत में मेरा जो दिल कर रहा होगा मैं करूंगा, खाने निकालने से पहले फिर मैं देखता हूँ स्ट्रॉबेरी कहाँ जाता है, मैंगो कहाँ जाता है, बटर कहाँ जाता है, ब्रेड कहाँ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सुबह नाश्ते में चीजें नहीं देते हैं, छुपा के रख देते हैं यार, तुम्हारे बहुत फैन हैं, तुम्हें वोट पड़ जाएंगे, मुझे नहीं पड़ेंगे। वहां से देख के इजी लग रहे है नहीं, जूते जा रहे, दूसरों से जीत कर तो वो वजीर बने हैं, अपने बलबूते पे तो बनते ना, अगर टीम्स ना होती तो, टीम्स बन गई तो मजबूरन उनको बनना पड़ा, उन्होंने एफर्ट तो की है, ज्यादा ही एफर्ट किया था उन्होंने, जितना उनका जिस्म है उतनी एफर्ट किया, उनका हक बनता है वोट मांगना। यार वजह पे जायो की है, मुझे वोट कावा में नहीं पीता, पत्ती वाला कावा क्या बंदा पिए, रातों में चाय के बर्तन मिल रहे हैं, रातों में चाय बन रही है, दिन में सब भूखे प्यासे, गलत बात है यार, वो इंसानियत होती है यार, लो किसी का तो एहसास कर लो। ट्रू, लेकिन आपने उस वक्त, आपको इस बात पे आवाज उठानी चाहिए थी। किस वक्त? जब तो पता लगा से की हो रहा है। वो आवाज बंदा किधर चुके, सानू पता कदों लग गया है।
हाँ शक ही हुआ होगा ना आपको भी, तो वो जाहिर सी बात है, अब एक ही इंसान है जो ये कर रहा है। भाई एक हफ्ता ऐसा आया था जब इस घर में रोज उठ के ये सोचा जाता था कि किसकी चीज छुपा दें, किसकी क्या चोरी कर लें। अब उस चक्कर में कभी अंडे छुपा रहे जा रहे हैं कभी, अब एकदम ना मैं भी बिल्कुल इस हरकत के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था। मैंने कहा था यार भूखे रहेंगे सब रहेंगे, खाएंगे सब खाएंगे। ये जो सब हुआ उसमें आपको क्या लगा, क्या क्या? यार देखो मुझे, मैं ऑनेस्ट बताऊं। हाँ हाँ ऑनेस्ट, मैं भी आपको अपना ऑनेस्ट व्यू देती हूँ। खाना बना, डिसाइड हुआ, जुनीद ने बोला यार शाम को खाएंगे, अभी कोई नहीं खाएगा, जब हम बना रहे थे। अच्छा गोश्त कम था, हमने गोश्त को छोटा छोटा किया कि यार सबको मिल जाए, ऐसा ना हो कि बड़ी मोटी हैं दो तीन चार पांच बंदों को मिले, तीन दो बंदों को नहीं मिले, बुरी बात है। अच्छा जी हो गया, पक गया, खत्म हो गया। जुनैद ने आके मुझे चगाया, देख कैसा बना, मैंने तो वाला चगा, उसने अपने हाथ से चम्मच से मुझे चगाया, मैंने अच्छा बना, मैंने मुझे खुशबू वहाँ तक आ रही थी। अच्छा बोला भाई शाम को खाएंगे 7 बजे जब टास से आएंगे। उसके बाद हम लोग बैठे, सबको भूख लगी, उसको भूख लगी, आपको उसको अरुबा की लगी, फिर मैंने राधा वाला भूख तो मुझे भी लगी है, क्योंकि सुबह सब ने ब्रेड खाया। फिर हमने क्या डिसाइड किया कि हम चले यार पुराना वाला सादा वाला लेके निकाल के, हम आए निकाला। अब निताशा ने चश्मा लगा, मैंने तो रात को नहीं खाया था ना, मेरे लिए किसी ने रखा चिकन, मतलब मैं बोल के गई थी कि मुझे रखो नहीं, मैं तो बासी नहीं खा रही, मैं तो खाऊँ, उसने निकाल लिया। चलो उसने निकाल लिया, अगर एक बंदा नहीं मानता, अब आप बोलो अच्छा इसने किया है तो मैं भी करूँगी। अब ये इन दोनों की चल रही है आपस में तसर, हाँ। अच्छा वो करती है निशाता बोलती मैं करूँगी, निराशा करती बोलती मैं करूँगी, अब उसने किया तो फिर अब यहीं पे ये जो सब हुआ, डेफिनेटली सुबह ने सब ब्रेड खाए, सब ने ब्रेड खाई थी, ठीक है पराठा खाए होते तो इतनी जल्दी किसी को भूख भी नहीं लगती, ब्रेड से उस तरह से पेट नहीं भरता, थोड़ी देर के बाद लगने लग जाती है, घरों में भी नॉर्मली यही होता है। तो अब जब पता है वजीर को भी कि दो लोगों की टसल चल रही है, जहाँ पे ये सही होंगे मैं इनकी साइड लूँगी, जहाँ पे वो लोग गलत होंगे मैं उनको बोलूँगी गलत, मैं तो हुई नहीं अभी फिलहाल बीच में, क्योंकि वहाँ पे मैं दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, इनके चक्कर में हम सब पिस रहे हैं। यार ये जो भी कोई दूध छुपा छुपा के रख रहा है वो प्लीज बाहर आ जाए। था छुपाया हुआ नहीं था अली भाई, शायद आपको भी पता था लेकिन आपने बोला नहीं। उमर तुम्हें तो मुझे नहीं पता, मैं मुझे क्या पता, उमर तुम्हारे सामने लिया था ना मैंने दूध, रात वो रात का दूध था ना, आई डिडंट सी, नहीं सुबह तो नहीं था, क्या क्या नहीं देखा, दूध नहीं देखा मैंने, नहीं नहीं मैंने वही दूध था, वही दूध था जो मेरे सामने लिया, कहाँ गया मुझे नहीं पता, चाय चाय में कम था वो डाल लिया, वो अलग करने की जरूरत नहीं, घर में वैसे ही इल्जाम लगाते लेकिन चोरी खुद करते हैं। अब बन जाए चाय, अब देखेंगे लोग, तुम जो कहते ना तुमने वो रूप वो उसने नहीं दिखाया, अब मैं दिखाऊंगी, अब मैं बताऊंगी अन्नू, अब बताती हूँ, दफा करो, मैंने बोला मिशेल प्लीज दो मिनट, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मिशेल समझे ना ना समझे, मुझे पता नहीं समझेगी, राइट से तो मैं उसको ज़्यादा समझाऊंगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ज़रा ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं नहीं समझाऊँगा बिल्कुल भी नहीं, खेले खेले नहीं खेले नहीं खेले, सर से ही पड़ गई उसको, कल वो गेम ही नहीं खेल रही थी, मैंने अली भाई को बोला इसका मुंह मेरी तरफ घुमाया, मेरी तरफ देखा, इसने मैंने कहा मिशेल खेलो इससे मुझे नहीं खेलना, फिर मैंने नहीं समझा उसको, और मैंने अब कसम खा ली, मैंने कहा मैं क्यों समझा रहा हूँ, मेरी रिश्तेदार थोड़ी है, मर्जी सही नहीं मैंने, लेकिन दानिश भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दानिश भाई बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं, बहुत, और दोनों तरफ बराबर हैं, समझ ही नहीं आ रहा आगे निकल जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ, देखो हम क्योंकि तीनों वर्गों बैठे हैं ना, तो अपना मेरा कम से कम ये उसूल है, मैं जिसका दोस्त हूँ ना मैं सच्चे दिल से दोस्त हूँ, जब मैं दोस्त नहीं हूँ ना तो फिर मेरे दिल में कुछ नहीं है, मेरे दिल में भी ऐसा नहीं है, इन दो ये दो लोग सामने बैठे हैं ना ये पहले दिन से मेरे लिए कुछ नहीं, अब मिशेल मुझे कहती तुम बात कर लो, तुम यहाँ से बात करो, नहीं मुझे करनी मुझसे नहीं होता, मैं या तो इस दिल से आपकी इज्जत करूंगा या मैं नहीं करूंगा, मैं मेरा बीच का अगर मैं प्ले कर रहा होता ना, हां मैं नया वो सेट लेके जाता तो वो मुझे उससे तीन चार प्यारी प्यारी बातें करता, देखो ऑल्दो ठीक है ऑल्दो उमर मेरा दोस्त है, मेरी सोच में उसमें उसकी दोस्ती नहीं है, ठीक है, लेकिन जब उमर ने बात बोली थी ना मुझे पता चल मेरे कानों तक पहुंची थी कि उसने जुनैद के लिए ड्रामा कर रहा है, मुझे बुरी लगी, पता किस तरह बोला था, मैंने कहा कि यूं ऐसे ये क्योंकि मैं इसके बराबर में बैठा था और आई कुड फील हिम, यस और ये जब भी मैं उसको देख के कहते हैं कि ये क्यों रो रहा है, आंखों में जब आंसू देखता हूं मैं इसके थाई पे आ जाता हूं कि बिकॉज मैं रिलेट कर सकता हूँ कि ये क्या क्या सोच सकता है, मेरी भी एक बेटी है और मैं इसी तरह की चीज़ और मैं फिर वैसे भी रिलेट करता हूँ क्योंकि माई नेचर मिलती है कहीं ना कहीं, तो मैं फौरन उसको आ जाता हूँ कि यार कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे हर्ट हुआ था, मैंने कहा क्यों बोला है, क्यों बोला है, एक्टिंग कर रहा है ये, कोई बात नहीं, रो रहा है
तो मुझे हुआ कि यार ये तो बहुत गुड फ्रेंड्स साथ साथ रहते हैं और ये क्यों उसके बारे में ये बात बोल रहे हो? फिर मैंने वो उसका सर पे मेरा तो ये है कि मैं किसी को ऐसे नहीं बोलता। हाँ, जो रोता है, रोना एक मतलब वो स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, ठीक है। जो मर्द जो है ना, मर्द जो इमोशन ज़्यादा शो करता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मेरे लिहाज से, और जो अपने आप में दबा के रखता है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर मुझे कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा हुआ, इफ आई हैव टू पुट अरूबा इन जेल आई डू दैट। ब्रो उसने मुझे मौका नहीं दिया, आप जाओ जेल में मिलो जो भी करना है, बट मेरी गैर हाजिरी में चप्पल करती है। अच्छा उनकी बात तो सुनो ना एक मिनट, अरूबा इन जेल उसके पीछे जो कुछ भी होगा आप देखो एक अलग माहौल होगा। जिन लोगों पे मुझे कॉन्फिडेंस है, जिन लोगों का मुझे पता है उनका मुझे पता है, और जिन लोग जो लोग ये करेंगे उनका पता चल जाएगा। Until unless कि ऊपर से कोई टास्क ना रहे। नहीं, टास्क में बाहर निकाल दो, बात खत्म। जो भी चीज़ होगी जिस पे होगी भाई, बात सिंपल सी है कि वज़ीर के पास यहाँ तक अथॉरिटी है कि आप ना निकालो वो टास्क, अपना भी नहीं खेल सकेगा बंदा। जब मैंने कल ये बात कही, ये क्यों शैल वगैरह भले ऊपर ऊपर से कर रही थी सफाई, इसने मुझे कहा मैंने काम नहीं करना। मैं कहा ठीक है बेटा फिर जेल चलें, ये कह के मैं उधर गया, वापस आया तो मुझे कहती डस्टिंग वाला कपड़ा कहाँ है। मुझे आप जब तक मौका नहीं दोगे, क्योंकि ये अगर मैं उसके बाद भी कहता जेल चलो तो इन्होंने खड़े हो जाना था सर होने के किस बेस पे? क्योंकि मैंने अरूबा को, आई एम सॉरी, हम एक ही घर में रहते हैं 24 घंटे रहते हैं, मैंने अरूबा को एक दफ़ा भी काम करते हुए नहीं जी, जो कि एक बड़ी शॉकिंग वाली बात है। हर दफ़ा कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा। कभी कभी यार प्लीज थोड़ा फास्ट करो ना, सताए फास्ट नहीं हो जा, नहीं नहीं अभी फास्ट की जरूरत है ब्रो, बहुत सैड हो जाएगा यार। अच्छा कोई बात नहीं, रो लो तुम भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 presented by Bright, powered by Kashmir Banaspati and Cooking Oil, Dolans and Wheat. सुबह से ये लोग कभी लॉन में बैठते हैं, कभी डाइनिंग एरिया में बैठते हैं, कभी किचन में खड़ों के बातें कर रहे हैं, कभी लाउंज में बैठते हैं, पॉलिटिक्स चल रही हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, करते रहे। मैंने तो इनको नहीं रोका है, मैं भी इनके लिए एक ऐसा टास्क लेकर आया हूँ कि इनको लग पता जाएगा। आइए अंदर चल के मज़ीद मैं इनसे बातें करता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सर, बैठ जाए भाई। माशाल्लाह सुबह से कभी इधर बैठते हो, कभी उधर बैठते हो, कभी यहाँ गुफ्तगू हो रही है, कभी वहाँ गुफ्तगू हो रही है, और गुफ्तगू हो रही है ग्रुप्स की और पॉलिटिक्स। आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, मैं आपसे आगे की सोचता हूँ। तो यहाँ कोई ग्रुप्स बनेंगे नहीं, या हर शख्स अपने लिए खेलेगा। कौन सा वाला? जो खतरे के घर में है वो लोग ये टास्क खेलेंगे। एक विनर होगा इसका, आपको बताऊं टास्क क्या है? यस सर, दिखाएं भाई टास्क। वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल है। ये स्टेप दिया हुआ है, इस स्टेप से आपने इस इधर जाके खड़ा होना है और खड़े रहना है। जो आखिर तक खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। जो नहीं खेल रहा है वो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करे कि वो ये खेल नहीं खेल रहा। शुक्र अल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जो आखिर तक रह गया
वो सेव हो जाएगा, रह गया। ऑल द बेस्ट गाइज। बैलेंस अभी वही मैं देख रही हूँ। व्हाट इज दिस? ऊपर खड़े हो जाए प्लीज। शाबाश गाइस, शाबाश। यूं पकड़, गुड लक। फोकस गाइस, फोकस 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 गाइस, देयर इज अ कैच आई एम श्योर। पता है क्या करना है ना? शी ब्रो, पानी निकलेगा। फोकस करो नताशा, फोकस। इधर उधर बातें कर रही हो अभी, फोकस रखो अपना। जंजीरे, हाँ जंजीरे। शाबाश राने, मिशी, नेहा, शाबाश जिनी। फोकस गाइस, फोकस। आप लोग अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कहाँ से शुरू करें। एक तो यार इतने डरे से मैं क्यों है सब से, चिल करो। अभी तो पहला 5 मिनट भी नहीं हुए, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। हां, जैसे वहां खड़े हुए थे वैसे यहां खड़े हैं। अभी तो पूरी रात पड़ी है। अरे बादल आ गए, अरे बादल आ रहे हैं। नताशा, हमारे फेवरेट लोग आ गए। जो बात है, ऊपर नीचे नहीं पकड़ो। अच्छा तो कुछ ओ गॉड, हम ऊपर जाएंगे। नहीं ये अगर आप ढीट हैं तो इस गेम का नाम है बीट द ढीट। बीट द ढीट। शाबाश गाइस, शाबाश। वजीर साहब, ये जो म्यूजिक था बहुत अच्छा लगा, बहुत सॉलिड म्यूजिक था। फुल काले बादल थे, दोबारा से चल गए, दोबारा से लग गए, आने लगे। वो वाली आवाज थी जिसमें कराची डूब जाता है। वाकई इतने में तो डूब जाता है, खंबे हिल जाते हैं। अरे बादल आ गए भाई। वो नीचे जा रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। ओए ओए, यहां तक आएंगे, पूरे से आएंगे, ऐसे आएंगे। ओ ओ ओ ओ, वो ओ ओ, सीरियस राणे। अच्छा अच्छा, और सबको हिला दे राणे, सबको हिला दे। ये देखो राणे, बैठना नहीं है राणे, बैठना नहीं है रानी। वाला कैरेक्टर संभाल के रखो बेटा, फ्री में बना देखो ऐसा डांस। यार रानी नहीं करो यार, असलियत में मबनी कैरेक्टर अलाउड नहीं है। हां ओए ओए, ना छोड़ी भाई, सुनो ये जितनी दफा बिजली चमकेगी ना, ये उतनी दफा नीचे आएगा। तो बार-बार थोड़ी इतना हिलूंगा, दुआ भी हिल जाएगा। सब दुआ करो कि सूरज निकल आए। मिशेल को समझाते रहो कि ना छड्डी, ना छड्डी, ना छड्डी। करने का था ग्रिड में पैर नहीं फंसाना, उधर पीछे जब इधर नीचे आएगा। अली आपका कोई असूल पामाल नहीं होगा। नेहा, नेहा आपके पैर पिछली तरफ चले गए, आगे आए, सेंटर में रहना है। नहीं नहीं, मिडिल मिडिल में है, मिडिल में, मिडिल में ना, पहले थोड़े मिडिल में रहे सारे। ये देखिए मिडिल में, मेरी क्लास ना करा देना। तो उठना भी है, सीट पे बैठना नहीं है, बार बार आए देखिए। काली घटा है, मस्त हवा है, झूम 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 झूम, बराबर झूम, और आने बराबर झूम, बराबर झूम, बराबर झूम, बराबर। वो हवा हवा वाला, ये मुझे लग रहा है मेरा दोस्त सबको गिराएगा साथ ही। खुशबू लुटा दे अखली जुल्फ गिरा, ध्यान से बेटे बगैर भाई बिजली के सिर ना हो जाना। फोरकास्ट चेक किया, बादल करीब ही है बस, लेकिन और चला जाता है, बरसात है। अरे यार
सबके कह रहा हूँ। नया थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ मैं आगे आ जाती हूँ। अकलमंदी। चेक करो भाई। अभी भी ग्रिप नहीं समझे। यही इशारा कर रहा हूँ। पीछे वाला पाइप। नताशा पीछे वाले पाइप से पकड़ो। आगे वाले पाइप से नहीं पकड़ो। ऐसे बैलेंस आउट होगा। आप लोगों को लग रहा है इजी नहीं है। हाथों पे वजन आ चुका है पूरा। इसीलिए आगे क्योंकि आपने आगे से पकड़ा है। पीछे वाले से गिर जाएगी। एक पहले पाइप नहीं कर सकती। अली आप लेट हो गई हैं। अली हम गुड़दार दी लेंस क्या है? किसको? सबको। चलो चलो जैसे आसानी हो आंसर करो। ठीक है वजन हाथों पे आ गया। पैर सीधे होगा बिल्कुल। शाबाश इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। बस दुआ करो बादल ना आए। बादल तो आएंगे। बिजली भी चमकेगी। राने बी सीरियस। मिशी तुम्हारे बहुत फैंस हैं। तुम्हें वोट पड़ जाएंगे मुझे नहीं पड़ेंगे। वहां से देख के इजी लग रहे है नहीं जूते जा रहे। कुछ लोग कुछ गलती कर रहे हैं। अब वो उनके टेक्निकल पॉइंट है ना। टेक्निकल पॉइंट है वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही खुश हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैंने तो कल से क्योंकि अगली दफा बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये जो यस नताशा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये फिर नीचे आएगा। अगर आपके हाथ यहाँ रह गए ना तो आप यूं नीचे आ जाएंगी। वेट ही नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। पुशअप पोजीशन में चली जाएंगी। यस ये समझा रहा हूँ। ओके मुझे लगा सिल्की स्नूपी। मिशेल के जूते सिल्की हैं। स्नूपी स्नूपी देखो दिमाग की गेम है। तुम चार लोगों को एक एज है के सब माशाल्लाह स्मार्ट लोग हो। वेट का इशू नहीं है मेरा और राणा साहब टाइप तो डबल एफर्ट हो जाती है ना। ये बादल अच्छी खबर है। वो तो आएंगे। दादी मैं कहते थे कि आ गए। बोलने की देर थी बस। यहाँ के पैर देखो। हाँ जी मट्टी ना छड़ी ना छड़ी मट्टी ना छड़ी। रुक गए बादल भाई। अली भाई पैरों की पोजीशन देखें सबकी। अब तो कोई हिला भी नहीं सकता। क्या देखें? मेडल में रखे पाव बस। अब बेचारे चाह के भी नहीं कुछ कर सकते। मेडल में रखो नेहा। नेहा के पैर बहुत पीछे हैं। मैं दिखाऊं? नेहा पाव बेटा थोड़े आगे रखो दरमियान में। नताशा और मिशेल के दरमियान में बेटे। मिडल में मिशेल के बिल्कुल सही हैं। नताशा के सही हैं। जुनेद का पैर ही अब लंबा इतना तो क्या कर सकते हैं। जुनेद के भी सही हैं। थोड़े से आगे उसका पांव ही बहुत बड़ा है। उसका पैर ही 11 नंबर है। हाँ। यार नहीं इसके भी ठीक है। वो बिल्कुल इतना ही गैप है सबका। बेटा जरी को आधा इंच आगे करो। हजारा का आधा इंच। मुझे लगता है क्लोज इस गेम ज्यादा चांसेस है। थोड़ा सा गैप देखे ना तो ग्रिप फॉर्म हो जाता है। राणे कमर पे जोर ले रहा है क्या? कहां तू फिर समझ नहीं आ रहा। शोल्डर पे लो ना। हाँ शोल्डर पे लो। तुम कमर थक जाएगी तुम्हारी। अच्छा मर्जी है। समझ नहीं आ रहा। मर्जी है तुम्हारी। मर्जी की क्या बात है? मैं डेट करते हुआ आ रहा हूँ बचपन से। मुझे क्या पता बचपन से कौन कह रहा है करते आ रहे हो। लेकिन दिमाग टैक्टिक होता है ना गेम खेलने का। एक लाइक दिस पाओ बच्चों सेंटर में रखने हैं। फॉर्म करो पैरों को। हाँ। तुम जितनी क्लोज ग्रिप रखोगी ना उतने जल्दी नीचे जाएंगे। मिशी रिवर्स गियर नहीं लगाना। जरा सा खोलो। हाँ। मेरी क्लास हो जानी है। जितना पैर को खोलोगे फॉर्म खड़े हो गए। हाँ। ये देख उन्होंने कहा था बहुत नहीं फैलाने में। उन्होंने कहा इतने नहीं फैलाने के आप अटका लें। ओके ओके। हाँ ये जो साइड है आप पैर वहां तक फैला सकते हैं जहां तक मैंने इजाजत दी है। सिर्फ ग्रिड से जाके उसका सहारा नहीं ले सकते। ये 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 कह रहा था मैं। हाँ
स्टे फर्म स्टे फर्म स्टे फर्म, जहां तक तुम्हें लग रहा है ना फर्म है वहां तक रखो बस, जितना फर्म लग रहा है कि हाँ यार ये ग्रिप मेरे कंट्रोल में है। मिशेल जी पीछे वाला गैप लोग रखो यार, बिल्कुल एज पे नहीं जाओ सारे। मेरा तो काफी है पीछे। क्यों यार वो पोजीशन ऐसी है ना। नहीं वो बोल रहा स्लिम मार, कितना होल्ड करेगा। शूज पे स्लिपी होंगे। हां कौन से होंगे? स्लिपी स्लिपी आपके जिन्हें तुम्हारे शूज स्लिपी हैं। स्लिपी हैं स्लिपी स्लिपी नहीं स्लिपी हैं स्लिपी स्लिपी। शाबाश शाबाश गाइस शाबाश। तो बता दे हम उसे लोरी देते हैं। मुझे ना रानी और मिशेल की टेंशन लग रही है। सारा कहते हैं बादशाह सलामत ये सीधा होगा। वो नीचे नहीं जाएगा। वो तो अगले बादल बताएंगे। कमर पर नहीं दो सही है रानी, शोल्डर पे ले जा जोर को। कैसे लेके जाते हैं शोल्डर पे? मिशेल छोड़ो कमर पे क्यों वेट दे रही हो? वेट वैसे देते कैसे हैं? ऑटोमेटिकली बाजुओं पे और शोल्डर्स पे आ चुका है। उसका नहीं आया होगा, देखो कैसी हो गई है। अली यार एक और टेक्निकल पॉइंट अगर आप लोग अपना दिमाग चलाएं तो वो बड़ा अच्छा अच्छा पॉइंट है। क्या हुआ? बीच वाला सोचें सोचें थोड़ा सा, फिर हम बता ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा सोचें, मजा आएगा आपको। इस हाल में कोई सोचने के लायक बचता है? बताओ भाई, हम सारी चीजें तो बता ही रहे हैं। कैसी बातें करते हैं लोग? बता तो रहे हैं। पांव पीछे वाली सरफेस से आगे रखे अल्लाह मियां प्लीज। मेरे तो हाथ ही हो गए। एवरीबॉडी कौन हिल रहे हैं? एवरीबॉडी प्लीज। फिर मैं उठ के आऊंगा। मेरे बाजू जा रहे हैं तो तुम सुनो ना, मेरे हाथ को नीचे करो, मेरे हाथों का ग्रिप नीचे करो, जान थोड़ा सा रिलैक्स हो, मेरे अगर स्ट्रेच हो रहे हैं ना हाथों नीचे कर लो, थोड़ा नीचे। नहीं पैर पीछे जा रहे हैं, पैर बहुत पीछे चले गए हैं। सुन एक्सटेंड द शोल्डर्स ना यार, एक्सटेंड द शोल्डर्स बट पांव थोड़े से आगे। देखो वजन शोल्डर्स पे लेके जाओगे। राने के ठीक है, मिशेल के ठीक है। राने हाथ ऊपर जा सकते हैं थोड़े से भाई, शोल्डर्स को ऊपर से नीचे लाया हूं। हां ठीक है, कीप चेंजिंग इट, शोल्डर्स को एक्सटेंड करो, वापस नीचे लाओ, वापस ऊपर लेके जाओ। यही कर रहा हूं यही कर रहा हूं यही कर रहा हूं। ऊपर मसला आ रहा था, करीब वाला कर ले, नीचे वाला कर ले, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, शोल्डर्स को एक्सटेंड करो। वैसे देख के इजी लग रहा है। नहीं मैं बिल्कुल नहीं कह रहा इजी है, कसम है मैं बिल्कुल नहीं कह रहा इजी है। आना भी बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं कह रहा इजी है, सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि मतलब उससे। हाँ हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो हम बता सकते हैं। शाबाश मिशेल, फोकस नेहा, फोकस फोकस गाइस फोकस। शाबाश, थोड़ी देर में गिरने वाली और दिली दिल में दुआ करते रहो या अल्लाह बादल ना आए। बस कोई इंजरी ना एक इसी के साथ नीचे ना आ जाए। एक्सटेंड करना बासुर, ग्रिप एक्सटेंड कर लेना। Come on, focus, guys, focus. Focus, guys. जुन्नी थोड़े से आगे रहा। छोटा सा टुकड़ा था बादल का गुजर गया। प्लीज एक एक इंच कम से कम दरमियान में रखे पाओ। ये बरसा नहीं ऐसी गुजर गया, छोटा सा बरसा नहीं है, रात में आवाज आई है सोते हुए। वो तो वाला था जैसे बादल और तस्वीर नहीं आई थी। टेक अ डीप ब्रेथ। शाबाश गाइस शाबाश। जुनी एक पाओ बिल्कुल एज पे है ब्रो, ऊपर से मेरी ना क्लास हो जाए। हां फिर दूसरों के साथ जाती हुई वैसे जूते। मिशेल नेहा लगने लगी हूं। शाबाश नताशा, यू कैन डू इट। नो 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 नताशा, नो गिविंग अप, नो गिविंग अप गाइस। लगोगे तब गिरना। मेरी टांगों बाजुओं की स्ट्रेंथ खत्म हो गई। कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं है भाई, अपनी ग्रिप नीचे कर लो नताशा, ग्रिप थोड़ी नीचे कर लो। कितने अच्छे खाने बनाए हैं बाजुओं ने। नहीं नहीं इतनी आसानी से नहीं। फोकस शाबाश फोकस। पांव 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 अपने मिडिल में। जुनी बहुत तेरी ये बड़ा टुकड़ा आ गया। जुनी पांव पीछे चले गए बहुत। ओए ये छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं। आराम से आराम से बरस नहीं रहे। नताशा एक हाथ, एक हाथ छोड़ अली भाई ऊपर। जुनी पांव पीछे बिल्कुल एच पे है ब्रो, पूरा वजन बाजुओं पे। यार पांव प्लीज आप लोग सेंटर में रखें, शीशे के सामने मत आना। अबे जूते। हाँ तो जूते सेंटर में ही फिसला ना, एच पे जाएंगे फिर डांट पड़ेगी।
नहीं जुराबे पहनी हुई है। यस यस यू कैन डू इट कम ऑन। नहीं उतरेगी नताशा। नो यार यार थक गया। Never mind. Well played. Well played. Well played. Juni, hang in there. Hang in there. Natasha ko check kare. Hang in there, guys. Hang in there. Shabash. Sidhe karo. Haath sidhe karo. Usko bhi. Sidhe karo. Haath sidhe karo. Wo jal raha hoga na. To muscle jalna shuru ho gaya. Center mein rakhe please. Step ho gaya hoga. Step ho gaya hoga. Step ho gaya. Pani laiyo pani. Pani deta hu. Thoda sa. Thoda sa. Rub karo. Juni, hang in there. Beta. Hang in there. Hang in there. Natasha, ye front pe. Front pe. Aram se. Kya ho gaya? Itna to ho gaya. Juni, paav bilkul edge pe hai yaar. Aram se. Aram se. Aram se. Kuch nahi. Ye theek hai. पानी पियो मसल तुम्हारा खाली हो गया इसका बर्न आउट हो गया। नेहा पाओ बहुत पीछे ले जा रही हो आप। आगे आगे शाबाश गाइस हैंग इन देयर शाबाश शाबाश इधर हो कुछ जूनी शाबाश जूनी। अबे जूते तेरी कोई बात नहीं जूनी फोकस कम ऑन जूनी यू कैन डू इट फोकस 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 गाइस प्लीज आप लोग बैठ जाइए। जी सर फोकस गाइस फोकस फोकस पाओ पाओ सेंटर में आना। तो वो सारा रह गया ना सब खाली हो गया। सबसे परफेक्ट राणा के पांव हैं और हाँ। बहुत बड़े भी हैं। क्या करूं नीचे से यार। और ये स्पेशल चेंज करके आया इसके लिए। पहले जो पहने थे मैंने कहा था पहनर है। तूने कहा चेंज करूं मैंने कहा पहनर है। कोई बात नहीं मत हिलाओ अभी मत हिलाओ। थे ग्रिपर्स थे। शाबाश गाइस हैंग इन देयर शाबाश। कम ऑन मिशेल। फोकस गाइस। कम ऑन नेहा। मैं इतने अच्छे ऑमलेट बना के खिलाऊंगा। हेलो तुम्हारे फैंस बहुत। वेल डन वेल डन राणा वेल डन मिशेल। नेहा मिशी तुम्हारे बहुत फैंस हैं। तुम्हें वोट पड़ जाएंगे मुझे नहीं पड़ेंगे। तुम्हारे बहुत फैंस हैं। अबे चुप कर। राणा के जॉगर्स जो है ना वो फिर भी सपोर्टिव है। और पता है कम ऑन मिशेल उसके पांव उस वक्त से जमे हैं। शाबाश शाबाश मिशेल राणा नेहा शाबाश। एक सीक्रेट बताऊं ना फोकस गाइस फोकस फोकस राणे फोकस। अगले बादल बहुत घमासानी होंगे। मस्ती नहीं करो। क्या बोल रहे हो? मस्तियां नहीं करो। मस्ती के बगैर आ गया अब कर लो मस्ती। मिडल में करो नेहा अल्लाह मिशेल मेरे मिडल में मिशेल बिल्कुल एच पे है दोनों के पांव। आगे करो नेहा पांव आगे मिशेल आगे राणे के पांव जगह पे बिल्कुल राणे के देखो यार। अली भाई उठ के देख रहे हैं यार। अली भाई एक दफा बता रहा हूं मेरे पांव हिल गए। ये कह रहे हो? नहीं तुम सही खड़े हो। अच्छा सबसे तुम बेहतर खड़े हो। और मिशेल बिस्मिल्लाह मिशेल बिल्कुल एच पे जमा के रखो नेहा जी। मिशेल पाओ पीछे नेहा आगे शाबाश शाबाश गाइस नेहा मिशेल सेंटर में यार। मिशेल आगे ये देख ये बहुत अच्छे हैं। नेहा वो देख ये पाओ बाहर निकल गए। नेहा ये है स्पॉट। बैठ जाए अली बैठ जाए। शाबाश मिशेल शाबाश वेल डन राणे। थोड़ा पैर ऊपर कर राणे पैर ऊपर कर वापस। शाबाश 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 राणे यू कैन डू इट। छोड़ना नहीं है। शाबाश मिशेल शाबाश राणे शाबाश मिशेल थोड़ा सा शाबाश शाबाश राणे राणे करीब कर ग्रिप को करीब कर ले। कम ऑन राणे कम ऑन मिशेल ग्रिप को करीब कर ले। हां शाबाश मिशेल ग्रिप को करीब करो। मिशेल फोकस फोकस मिशेल लेके जा रही है मिशेल मिशेल ग्रिप को करो। मिशेल हिम्मत शाबाश 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 मिशेल ग्रिप यू आर स्ट्रांग मिशेल वेल डन। कम ऑन गाइस कम ऑन नेहा कम ऑन नेहा पांव फसाने नहीं है। अल्लाह जूते जा रहे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मिशेल नहीं मिशेल फोकस कर सारे मिशेल जाएंगे वो जा रहे हैं मिशेल जा रहे हैं वो मिशेल शूश नेहा नेहा कम ऑन नेहा राणा कम ऑन राणा नेहा यू कैन डू इट कम ऑन मिशेल नेहा यू कैन डू इट। नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं मिशेल ऊपर मिशेल ऊपर मिशेल ऊपर मिशेल स्टोरी देयर मिशेल राणा अली भाई मिशेल ऊपर पैर बंदे राणे रुक जा राणे रुक जा चमक राणे नेहा यू कैन डू इट कम ऑन कम ऑन राणे नेहा नेहा देखो यार गलत बात है यार पाओ आगे कम ऑन राणे राणे नेहा यू कैन डू इट
नेहा डोंट स्टॉप डोंट स्टॉप कम ऑन टू गाइस थोड़ा सा और हां हां नेहा चिड़िया आ गई नेहा ने भाई यार अली भाई नेहा नेहा पैर फ्रेम नहीं है स्लिप हो रहे हैं यार अरे मिडिल में रखो मिडिल में रखो मिडिल में रखो उसी पे मूव करती रहो पीछे ज्यादा लेके ना जाओ इस तरह बस मूव करते रहो कम ऑन राने पीछे कर पीछे इसी पे मूव करती रहो ये बात राने शाबाश शाबाश राने शाबाश 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 खड़ी हो जाओ उसके ऊपर ही कोने में नेहा आगे करो पाओ बेटा नहीं करना ये क्या है नेहा एक बंदा बोले यार एक बंदा एक सेकंड नेहा आपका पाँव स्लिप होता है फिर आगे लाओ अगर मैनेज करना इस तरह करो पैर पीछे बिल्कुल नहीं लेके जाने आर्म्स को एक्सटेंड कर आर्म्स को एक्सटेंड कर आर्म्स को एक्सटेंड कर हां छोटी ग्रिप पकड़ो हां पांव दरमियान में रखो शोल्डर पे लेके जाओ थोड़ा फैला के रखो दरमियान में बस 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 आगे करो इनको बकअप करें और लेट देम प्ले ओके सर लाने ऊपर लेके जा सकता है फिर भी वेरी गुड नेहा यू कैन डू इट कम ऑन नेहा कम ऑन कम ऑन कम ऑन राना राना कम ऑन नेहा कम ऑन छोड़ना नहीं है नेहा मत करो हिम्मत शाबाश राना कम ऑन राना दिखा दे राना कम ऑन शाबाश शाबाश कम ऑन राना ये 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 नेहा छड़ना नहीं है शाबाश बहुत आला बहुत आला बहुत आला एक जगह देख फोकस कर बस कम ऑन राने छोड़ना नहीं है राने पीछे करो राने डबल आ डबल ए डबल ए डबल आ डबल ए डबल वन राने शाबाश मेरो वहां पीछे राने नेहा बोथ ऑफ यू यार गुड बहुत आला यार बहुत आला कम ऑन राने शाबाश शाबाश राने नेहा नेहा पैरों को जमा के नेहा पैरों को जमा के पैरों को नहीं छोड़ना Come on! Thank you! Aram se. Well played, Michelle. Well played. Well played, guys. Well played. Run it! तू ना हारे ऐसे वेल प्लेड नेहा गुड यार गुड वेल बहुत आला अनएक्सपेक्टेड गाइस क्लैप फॉर एवरीबॉडी यार वेरी गुड आई नो मेरे बाल आ गया है वेल प्लेड गाइस वेल प्लेड गाइस बहुत अच्छे यार वेरी गुड गेम गाइस सबने बहुत अच्छा खेला यार बहुत अच्छे बहुत अच्छा मैंने भी देख मिशेल एंड जुनैद बिकॉज सीधे खड़े रहना क्या है लेकिन हम वो क्लैंप देख रहे थे कुछ तो है मैं समझ गई जब वो जेंगो टीम आई और वो भी खाली हाथ आई तब हमने कहा ये अब कुछ गेम करेंगे मुश्किल इसका बहुत अनएक्सपेक्टेड था
जब ये गिरा है ना मैंने कहा है जब ये गिरा मैं यार मैं तो कभी और ये बिल्कुल नहीं पता इस चीज कहां तक लड़ा है जब तक ये पूरा शेक करना शुरू हो गया इसने फुल स्ट्रेंथ दे दी थी पांव नहीं मैं पांव रखूं यूं चले जाए मैं पांव रखूं फिर मैंने कहा एक टांग पे उमर ने कहा यूं कर मैंने जो पैरों की ग्रिप रखी हुई थी ना तुम उससे जीते हो मुझे पता है इस गेम का विनर मैं हूं और मैं चाहता हूं मेरे साथ जो चार दोस्त हैं उन दो तुम हो रोका अपने आप को मैं पीछे देखा एडी तो वहां खड़ा हुआ तो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था अली क्यों देख रहा है क्या डाल रहा हूँ देख मैंने भी चम्मच नहीं छोड़ा मैं भी डाले जा रहा बोटी और चुन चुन के ना और जानबूझ के इसको दिखाया कि मैं चुन रहा हूँ बोटियाँ नहीं तो राने बेइज्जत उन्होंने मुझे किया है सबर तो कर उन्होंने देखा है कि मैं क्या डाल रहा था वो मुझे ले रहे हैं हाँ ये क्या है बोतल में उतार रहे चोरनी कप चाय के लिए दूध दे दो मैं दूध दे देती हूँ तुम लोग चाय बना लो नहीं नहीं सबके लिए वो सब तसल्ली दे रहे हैं कल राशन टास्क होना हाँ है ना हाँ तो फिर ठीक है ना सबको पता है कि कल राशन और परसों एलिमिनेशन तो रख दो ना पानी मैं लेके आती हूँ पानी में भर नहीं पाऊंगा अभी जो हालात है किसी को बोलो उमर मेरा अपना एक बाजू जी चल रहा है मुझे पता मैं कैसे बर्तन धो रही हूं एक काम करेंगे यस दे रही हैं तो प्लीज आप जरा पानी भर देंगे चाय बन रही है हां नताशा मैं नहीं बैठ सकती नहीं फाइनली डिसाइड किया है वो दूध ला रही हैं तो प्लीज है ना असल में मैं उठा नहीं पाऊंगा वो जिसमें पानी भरना है तो भर लो यार भर देता हूं नो प्रॉब्लम शुगर राइट वाला सही है हम तो वो वाले घोड़े नहीं है नानी भाई आपको तो मैं बताता हूँ आप यूं भाग रहे हैं मुझे आप ऐसे लग रही है भागती नहीं जी आप यूं भाग रही हैं नहीं 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 मैं यूं भाग रही हूँ शुरू से आपको जो कल बंडा हुआ ना शुरू से यूं भाग रही हूँ कल कौन सा बंडा हुआ जो सर ने कहा ग्रुप में बैठ जाए नताजन हाँ, और उठ के बैठ गया ये फिर आप इसी तो कह रही हैं अच्छा पकड़ाई देती फिर कह रहे मैं तो किसी ग्रुप में नहीं चाय दे सकती थी इतनी टेंशन वाली बात नहीं नहीं यार मैं मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी अर्से से है नहीं आज अभी अभी की बात बचपन की बातें बता दी हिलेरियस आपके आज जानी थी हमारी तो आ जाएगी कोई ना कोई जाना हम भी तो खाली बैठे हुए थे इंतजार में नहीं नहीं आप पिए पिए दानिश पिए तुम्हें बार बार कह रहा था वो मैं उस पे मैं फोकस कर रही थी क्योंकि पैरों को मूव करती रहो लेकिन जो वो लास्ट वाला स्लिप था ना उसमें आंखें बंद हो गई मेरी जो लास्ट वाला स्लिप था और अच्छा फनी भी पार्ट वाज मुझे लगा रानी भी उतर गई है लेकिन मैंने कहा वो तो नहीं उतरा तो मैं लगा वो भी उतर गया क्योंकि जो लास्ट वाला स्लिप था ना मुझे उसमें गिर नहीं उतर की वो जमा हुआ था भाई वो जमा हुआ था बस जमा हुआ था वो इस बच्ची को वोट दें क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बच्ची यहाँ रहे क्योंकि हमने आपको बताया था ना प्लान बनाया हुआ है पांच लोग जॉइंट में रहेंगे उसमें एक मैं हूँ
दो तीन चार और जुनेद पांच, तो प्लीज मिशेल को जरूर वोट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज वोट फॉर मी। नहीं छह, ये भी चटा दिल रख रही है उसका झूठ, छठे ये कर लेना, लास्ट भी किए जाएंगे, हां तुम्हारे छठे इनको रखना, लास्ट भी किए जाएंगे पक्की, तो देख लो कितनी चल रहे सारे। चलो यार, जिसके नसीब होगा चले। नहीं यार, आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, जो बात सीरियसली अप्रिशिएट, लोगों ने हल्का आपको भी लिया था सीरियसली, माशाल्लाह आपने मनवाया है। इसको ये मिसाल दे रहा था आज मैं, हमने पहले तो मैंने उसको गेम से बोला कि राने फर्स्ट बाहर नहीं आना, और फिर जब ये जीत के आए तो एक अलग खुशी थी। हाँ, क्योंकि जिस तरह ये लड़ा है ना, इसमें मुझे नजर आ रहा था, इनको मिसाल दी मैं, जिस दिन दानिश भाई फर्स्ट टाइम आया था ना, सब ने उनको हल्का लिया था। मैंने कहा उन्होंने अपने आप को टास्क में मनवाया है, कुछ टास्क जो कोई नहीं कर सका ना, वो दानिश भाई ने करके दिखाए। मेरे एक हाथ ने मेरा साथ छोड़ दिया था आज। नहीं, दोनों को मैंने कहा, मैंने इनको बोला आपने पेन किलर लेके। हाँ, मैं तो खाऊंगी, लाजमी, बहुत जरूरी है, खाई है मैंने। तो कोशिश करेंगे इसको कवर रखे, मैं तो उसको यही बोला था, मैंने कहा जैकेट में, मैंने तो ये जान के थोड़ा मोटा वाला आज पहना है, दूसरी वाली जैकेट पहन, थोड़ा ना वार्म होने दे, क्योंकि रूम का टेम्परेचर वैसे ही ठंडा होता है, ठंडा होगा, और जो सुबह मुझे दर्द होगा ना, अभी नहीं इतना हो रहा। और अली ने कहा कि मैं मेरा नाम बदल देना, मैं वजारत से हट जाऊँ, मैं कोई भी वजीर हूँ, उसकी वजह में जैसे ही तुम जाओगी किचन में तो कह रहा मैं शोर मचाऊंगा और मैं रेल पेल कर दूंगा और उठा के हाथ से छीन के ले जाऊंगा, कोई रोक सके तो रोक ले। ये अली के अल्फाज है। उससे बोलना आए तो सामने पर बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। मैंने जवाब ही नहीं दिया, मैं सुन रहा था, अली यहाँ बैठा था, उमर यहाँ के बैठा था, तो मैं उमर से सुन रहा था कि उमर बोल क्या रहा है, पर मैंने तुम्हें भी बोला अकेले में कि उमर का इसका क्या मसला है, बट उमर ने जिस तरीके से तुम्हारे खिलाफ बात की है ना, यानी उनकी हाँ में हाँ में हाँ, यार सबको अकल होती है, मैं भी उधर बैठा था ना, मैंने एक तो हाँ में हाँ नहीं मिलाई, तो मिलाते ना, वहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह ना देखते, सुनो ना, हम यूं थे, उमर उसका क्या मसला है, मेरे का पता नहीं, मेरे को ये बात कर रहे थे। और मैंने पता क्या बोला, मैंने प्रूफ पता कैसे किया, ये आके बैठा, मैंने खुद देखा इसकी प्लेट भरी है, खा ली है दो प्लेट। अब इसने क्या खाया अल्लाह को पता, मैंने तो नहीं देखा, पर उमर ने, फैजान ने मुझे बोला वो देख, यूं करके ना, मैं फैजान के, उसने डायरेक्ट निकाली बिरयानी है, वो सीधा आया, हम जब कोई वाइट चावल नहीं खाए, हम जब निकाल रहे थे ना, वो सीधा आए, मैंने भी देखा था, दूसरी बिरयानी खाई, फिर तीसरी में वाइट चावल खा लिया। चलो तीसरी में खा लिया ना, दो बार खा लिए, सुनो दो बार खा लिए, बोटी चुगली, ठीक है, आलू चुग लिया, एक मिनट, सही है, प्रोटीन जी सबसे ज्यादा उसको जो है ना, तो तुम अपने अंडे नहीं खाती हूँ, जो वहाँ देती हूँ, मुझे पता कब चला, जब मैं इस हफ्ते में आया था, ठीक है, जब पहला हफ्ता था तो ऐसा कुछ ये भी नहीं था, इतने अंडे इतने अंडे, अंडे के बाद फिर एक अंडा हफ्ता, तो तुम्हारे अंडे थे, तुम्हारे हफ्ते में तो अंडे नहीं थे, ठीक है, फिर अचानक से अंडे आए, तभी बंटवारा नहीं हुआ था ना, आज तो मैंने जो, अब मेरी वजारत में जब आए अंडे तो मैं थोड़ी बना रहा था, मैं तो वजीर बन के बैठा हुआ था, मुझे क्या पता, अब जब मैं किचन में घुसा हूँ तो पता चला है कि तो अंडे खाती नहीं, और इसके अंडा एक उधर जाता है एक उधर जाता है, कोई बात नहीं, इसकी मर्जी, ये फेंक दे उठा के पहले, वो उसका मसला। इसने मुझे पूछा अगले दिन आपको चाहिए एक्स्ट्रा, मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने उससे बोला था, मैंने कहा मिशेल तुम्हारे कंडा में खाऊंगी कल, वैसे कहा हां, इसने मुझसे पूछा है बगैर मेरे कुछ बोले, आपको चाहिए, मैंने कहा बोला दो बहुत है, थैंक यू सो मच, ऐसी बोला, और मैंने नहीं लिया, क्यों लूं, आज मैंने बोला मैं थोड़ा सा लूंगा, दिल अच्छा, दिल चाह रहा था, अच्छा लग रहा था, पर मेरे दोस्त इतने अच्छे बन गए तो मैंने लिया ही नहीं, यार हौका थोड़ी है कि ये भी ये भी ये भी, उतना ही खाऊंगा जितनी भूख है, बिल्कुल, और अगर चार पराठे की भूख है तो मैं चार भी खाऊंगा, कोई रोक ले मुझे। ये आई वो, मुझे कुछ बात करनी है, बाहर चलो हम वॉक करते हैं, मैंने कहा तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, तो ये मुझे गुस्से में देख रही है, इसको यकीन नहीं आया कि मैं उठ के चला गया, मैं उठ के चला गया बाहर, ये मुझे कोई 50 दफा इस बात का आते जाते ताना मार चुकी है, तो आपको क्या लगता है अगर जुनेद इसके साथ एक दफा बैठ गया बात कर ली तो वो बर्दाश्त करेगी, वो तो बोलेगी जुनेद तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अच्छी बात है ना, बल्कि वो बात करने की कोशिश करे या मैं करूँ उसको तकलीफ होगी तो लड़े आपस में, जुनेद उसकी मानेगा, जुनेद उसकी बात मानेगा, मेरी प्लेट मैंने खुद बनाई है, जो बोटियां थी मैंने डालनी, क्योंकि मुझे पता है बाद में हम लोग कितनी बार प्लान किया मिलके खाएंगे, सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सही है, आई केयर, तो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था अली, यू देख रहा है क्या डाल रहा हूँ, देख, मैंने भी चम्मच नहीं छोड़ा, मैं भी डाले जा रहा बोटी और चुन चुन के ना, और जानबूझ के उसको दिखाया कि मैं चुन रहा हूँ बोटियां, नहीं तू डाले, बेजा तो उन्होंने मुझे किया है, सबर तो कर, उन्होंने देखा है कि मैं क्या डाल रहा था, वो अब मुझे ले रहे हैं, हां ये क्या है, बोतल में उतार रहे हैं, बोतल है ये, सॉरी मैं बोतल कैसे बनाऊं, तो खैर मुझे बोतल में उतार रहे, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला, इधर आके क्या बोला, राणा की और मेरी प्लेट अंदर रखी है, खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया, तुमने सुना नहीं, वो मुझे उतार रहे बोतल में, राणा तुम्हें और मुझे बहुत इजी समझ रहे हैं, हम तो कट गए, अगर हम तो कट गए ना तो कौन बचा यहाँ पे, देखो तुम नहीं बन सकती वजीर अगले हफ्ते, फैजान नहीं बन सकता, बनेगा ये एक, बनेगा जुनेद, जुनेद के पास जाएंगे वोट तुम दोनों के, जुनेद के पास कितने वोट होते हैं, अगर उमर के पास हम अली बोलेगा, जैसा जो मैंने खुला खुला बोल दिया यार अगला वोट तो मेरा ही है ना,
कहा यस डार्लिंग, जब मैं डार्लिंग बोलू ना तो समझ जाना तंजिया है, मगर जार से भी बोलता हूँ कभी कभी, ये ना समझना बिल्कुल। खैर तो अगर ये दो उठ गए, फर्ज करो नजाशा आउट हो गई, तो मैं, अली, दानिश, नेहा, पांच वोट पड़े उमर को और दो वोट पड़े, दो वोट पड़े जुनैद को, तो कौन जीता? तो भी उनको ये रहने दो उस डिलेमा में कि हम उनकी तरफ, तुम अब देखो मैं क्या करूं, आप ऊपर मेरे पास आने दो, मैं बोलूंगी हां मैं ठीक हूं, सुबह जब मैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं बताया, नहीं मैं बोलूंगी हां मैं ठीक है, तुम्हें वोट दूंगी। एकदम देखो नींद उड़ी है, आप देख रहे हैं तमाशा सीजन टू प्रेजेंटेड बाय ब्राइड पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल डॉलन्स एंड वीट।